Hello friends, myself Vishnu Sharma and I welcome you all on behalf of Sharma's Fabric, जो कि हमारा एक्सक्लूसिव शोरूम है रेमंड का, ये जयपुर राजस्थान में है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो सूट का कपड़ा होता है वो ऑलवेज हमें यूज करना होता है टेरी वुल में। अब टेरी वुल का जो ब्रांड होता है पॉलिस्टर और वुल का ब्रांड होता है, तो वुल में भी कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये बताए, हम लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि मेरिनो वुल क्या होता है, वर्जिन वुल क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन वुल क्या होता है, कश्मीर वुल क्या होता है। तो वुल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वही चीजें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इन जो वुल का जो डिफरेंस है वो क्यों मैटर करता है, उनका प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है, कौन सा वुल हम लोगों को सूट के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा बेटर नहीं रहेगा। तो वही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ रहेंगे राम जी, हेमंत जी और महेश जी हमारे साथ हैं। और मैं राम जी को से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को दिखा दें कि जो हम वुल में यूज करते हैं वो क्या क्या वुल रहता है हमारा। फर्स्ट मैं दिखा रहा हूँ मेरिनो वुल, ये देखिए। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये राम जी ने स्थान खोला है और आप देख सकते हैं ये पूरा इसमें, देखिए ये बहुत प्रीमियम है, प्रीमियम मेरिनो वुल है, 130 काउंट है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है पहले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आप वूल का बात कर रहे हैं, तो वूल ये है मेरिनो वूल, प्रिसाइजली मेरिनो वूल यूज किया हुआ है पॉलिस्टर के साथ। अब दूसरे टाइप के जो वूल होते हैं प्लीज आप वो भी दिखा दीजिए। ये देखिए वर्जिन वूल, तो गाइज ये देख सकते हैं ये वर्जिन वूल है सारे टेरी वूल में, सारा जो भी हम सूट का यूज करते हैं ऑलवेज टेरी वूल यूज करते हैं, पर इसका भी देख सकते हैं 180s में है, वर्जिन वुल है। तो यहाँ पे जो भी सारी चीजें डिफरेंस जो मैटर कर रहा है वो वुल का मैटर कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा है मरीनो वुल देख लिया, वर्जिन वुल देख लिया है, अब राम जी दिखाएंगे ऑस्ट्रेलियन वुल दिखाएंगे राम जी, तो प्लीज आप दिखाएं। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन वुल, हाँ जी बिल्कुल, ये दिखा दीजिए आप, ये ऑस्ट्रेलियन वुल है, ये राइट साइड ये वाला है, चले तो जी ये देख सकते हैं तस्मानियन ऑस्ट्रेलियन वुल है ये। तो अब आप कश्मीर वुल भी दिखा दीजिए लास्ट में, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रहा हूँ कश्मीर वुल भी हम दिखा रहे हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों कंपनी अलग अलग वुल यूज कर रही है। तो ये लास्ट में देख सकते हैं, ये कश्मीर वुल दिखाया गया है, ये देखिए ये कश्मीर वुल है, देखिए आप मिंग कश्मीर और मेरिनो वुल का ब्रांड है ये प्योर कश्मीर वुल नहीं है, कश्मीर वुल और मेरिनो वुल का ब्रांड है। पर ये आप लोगों को समझ में आए कि कौन कौन सा वुल हम लोग सूट में यूज करते हैं उसके लिए मैंने बताया आपको। तो अब हम शुरू करते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है। जो सबसे ज्यादा वुल चलता है सूट्स के फैब्रिक के लिए वो होता है मेरिनो वुल। अब मेरिनो वुल को अगर हम कंपेयर करेंगे कश्मीर वुल से, तो कश्मीर वुल एक्सपेंसिव होता है मेरिनो वुल से। मेरिनो वुल किससे एक्सट्रैक्ट होता है, मेरिनो शिप होती है, एक भेड़ होती है मेरिनो नाम की, उससे हम लोग शियर करते हैं, उसका ऊन हम यूज करते हैं, वो मेरिनो वुल होता है। और मेरिनो वुल सबसे ज्यादा कहाँ होता है प्रोडक्शन, वो होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन मेरिनो वुल बोला गया है। जो हमने देखा है उसमें वो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो वुल इसीलिए बोला गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। और जो कश्मीर की बात करें हम, कश्मीर वुल जो होती है वो भेड़ से नहीं मिलती है हम लोगों को, वो एक कश्मीर गोट होती है, एक बकरी होती है, उससे मिलती है। अब इनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा महंगा है, तो महंगा ऑलवेज कश्मीर वुल होता है। और इसमें गर्म कौन सा रहता है, मेरिनो वुल ज्यादा गर्म रहेगा या कश्मीर वुल ज्यादा गर्म रहेगा, तो फ्रेंड्स कश्मीर वुल जो होता है 8 times ज्यादा वार्मर होता है, मतलब ज्यादा गर्म होता है मेरिनो वुल से। तो आप लोग ये ध्यान रखें, अगर एक्सट्रीम विंटर के लिए यूज करना है तो कश्मीर वुल में आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कश्मीर वुल और मेरिनो वुल में कौन सा ज्यादा सॉफ्ट फाइबर होता है, कौन सा फाइन फाइबर ज्यादा होता है। तो फाइन जो होता है वो कश्मीर वुल का फाइन होता है, और इसका सॉफ्टनेस भी कश्मीर वुल का ज्यादा होता है। अब ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन सा ज्यादा टाइम तक चलेगा, तो ज्यादा टाइम तक चलने वाला है मेरिनो वुल, इसलिए मेरिनो वुल कंपनी ज्यादा यूज करती है, ये अफोर्डेबल भी रहता है इन कंपेरिजन कश्मीर वुल के। तो ये सारी चीजें थी, हमने कश्मीर वुल और मेरिनो वुल को समझा। अब मैं ये भी बता देता हूँ कश्मीर वुल कश्मीर में
नहीं होती है, लद्दाख में होती है इंडिया में, और सबसे ज्यादा ये होती है मंगोलिया में होती है, सबसे ज्यादा इंडिया में लद्दाख में पाई जाती है कश्मीर। तो दूसरी चीज ये है कि हमने आपको दिखाया वर्जिन वुल। अब वर्जिन वुल का मतलब क्या होता है, तो वर्जिन वुल का मतलब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वर्जिन वुल क्या होता है, जो भेड़ का बच्चा होता है, भेड़ का बच्चा बड़ा होगा तो पहली ऊन जो उसपे होती है, पहली ऊन उसपे उगती है, और हम जो उसको काटते हैं शेयर करते हैं, जो वो ऊन हम कलेक्ट करते हैं वो वुल सबसे फाइन होती है पूरे लाइफ टाइम में। जो भी भेड़ के लाइफ टाइम में सबसे जो फाइन वुल होता है वो उसका पहला होता है, पहला शेयरिंग जो होता है वो सबसे फाइन वुल होती है, तो उसको हमने वर्जिन वुल बोला गया है। तो वो भी बहुत फाइन, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी वुल होती है। और मैं ये बता दूं कि अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सबसे महंगा दुनिया में वुल कौन सा है, तो सबसे महंगा दुनिया में वुल होता है विकुना वुल। वो इंडिया में नहीं होता है, पेरू में होता है, और विकुना एक एनिमल होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बहुत फाइन होता है। अगर उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, तो एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। ऊन जो होता है ऊन को माइक्रोन में देखा जाता है, ऊन का जो धागा होता है, जो फाइबर होता है, उसको माइक्रोन में नापा जाता है कि कितना ज्यादा पतला है। तो नॉर्मल जो ऊन होती है उसका 20 माइक्रोन का फाइबर होता है, और मरीनो वुल थोड़ा सा फाइन रहता है तो उसका 18 माइक्रोन रहता है। अब विकुना की हम बात करेंगे तो विकुना का जो नेचुरल फाइबर होता है वो 12 माइक्रोन तक पतला होता है, तो इसीलिए विकुना वुल बहुत महंगा होता है। और अगर जैसे जो हम मेरिनो वुल को यूज करते हैं 150 180 में यूज करते हैं, तो उसका माइक्रोन हम खाली 15 तक ही ला पाते हैं। तो गाइस इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना फाइन फैब्रिक आता है, कितना फाइन धागा होता है उसका विकुना वुल का, इसलिए वो बहुत महंगी होती है और वो इंडिया में नहीं चलती है, हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो नॉलेज मैंने दी है वो अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लाइक करता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।